ओके सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? ओके So in the last session we discussed the Rosenmund reduction, okay, Rosenmund reduction, and then Stefan reduction. This is the ये जो है ना partial reduction है, and third one is Etard reaction. कोई भी methyl, ethyl, propyl, कोई भी benzene हो वहाँ पे तो aldehyde convert हो रहा है. Okay, Guterman-Koch aldehyde. Guterman-Koch reaction and Guterman aldehyde reaction. Further, we discuss about Wittig reaction and Haloform reaction. Remember, what is the condition of Haloform reaction? Haloform reaction, CH3CO group and CH3CHOH group. Okay. And further, discuss about the Clemmensen reduction, Wolff-Kissner reduction, and HVZ reaction. Okay, HVZ reaction mein kya hota tha? Lead phosphorus tha. Br2 और रेड फॉस्फोरस, और वहां पे Br की जो पोजीशन होती थी, Br कहां पे लगता था? अल्फा कार्बन पे हैलोजन लगता था. कोलबे इलेक्ट्रो कोलबे रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन. ठीक है, सो हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन तक देखा था. आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया था. Okay, so let's start with aldol condensation. ठीक है, क्योंकि aldol condensation जो होती है वो बहुत 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 important है. ओके, सो एल्डोल कंडेंसेशन होती क्या है? देखो, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मैंने बताया था कि जो मस्ट कंडीशन है, एल्डोल कंडेंसेशन किस में होगा, वो मस्ट कंडीशन किसके लिए क्या है? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड विच हैविंग, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. कार्बोनिल कंपाउंड विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, अगर ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. ओके, अब होती क्या है ये? देखो, अगर अल्फा, जैसे मान लो यहां पे हमने दिया CH3CHO, यहां पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसके दो मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करते हैं. ठीक है, यहां पे भी हमने CH3CHO ही लिखा हुआ है. ओके, CH3CHO, अब इसका जो एक हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन इधर की तरफ मूव कर जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो है वो इस तरफ मूव करेगा. मतलब क्या बन जाएगा? यहां पे हमने CH3CH इधर OH और क्या कर लिया, CH2CHO, ऐसा बन गया. ये दोनों CH3CHO है. अब हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं.
तो ये सीएचओ के जस्ट बाजू वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा होता है और ये होता है बीटा। सो शिफ्टिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी बनेगा। क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई बन सकता है। फिर हमने इसको थोड़ी सी हीट करी, हीट दी, यहां से एक एच, यहां से ओ एच, वाटर निकल गया और यहां पे सी एच डबल बॉन्ड लग गया। देखो यहां पे ये अल्फा और ये बीटा, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही बोलते हैं एल्ड। एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब एल्कोहल, एल्ड मतलब एल्डिहाइड एंड ऑल मींस एल्कोहल। करेक्ट। अगर तुम्हें सीधे सीधे फटाफट प्रोडक्ट बनाना है, मान लिया क्वेश्चन आ गया और जल्दी में तुम्हें मतलब बनाना है, जैसे मान लो हमने, अच्छा सी टू एच फाइव सी एच ओ किया और इसकी रिएक्शन डायलोट एनी ओ एच के साथ करी और बोला जा रहा है प्रोडक्ट बताओ, तो तुम तुरंत समझ जाना कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताएगा कोई? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? फाइव और कोई बताएगा? सो यहाँ पे फाइव अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे टू अल्फा हाइड्रोजन है। ये दो कार्बन से जुड़े हुए हैं ना, जस्ट बाजू वाला कार्बन देखते हैं, इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं, सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ। सो यहाँ पे ये वाले अल्फा है, सो ये टू अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ओके, और इसी के दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन बाहर लगाते हैं, इसका लगाएंगे ये हाइड्रोजन और इधर सी एच, और सी एच थ्री तो इससे हाइड्रोजन नहीं निकाले हम, अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ दो मॉलिक्यूल्स ने लिया, एल्डोल कंडेंसेशन कराया। क्या हुआ? यहाँ का जो एच है ये, और ये वाला सारा पूरा पोर्शन जो है वो इस कार्बन से अटैच हो गया। ठीक है, व्हाट वी गेट? सी एच थ्री सी एच टू सी एच, इधर ओ एच हो गया है और इधर सी एच सी एच थ्री और सी एच ओ, जैसे था वैसे ही हमने जोड़ दिया। अब क्रॉस चेक कर रहे हैं कि भैया सही होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे अल्फा और ये बीटा, अरे तो बीटा हाइड्रोक्सी तो है ना, बीटा हाइड्रोक्सी है, अब इसको हीट करना पड़ता है। इसको अगर हीट करोगे तो यहां से एच यहां से ओ एच, तो क्या हो जाएगा? सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी और इधर सी एच ओ हो गया। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर सी टू एच फाइव सी एच ओ। गॉट इट? सीएचओ के साइड वाले कार्बन को अल्फा का सॉरी हाइड्रोजन बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। नहीं, सी एच ओ के साइड वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन। पहले अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए फिर उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे अगर मान लो हमने ये किया, अब कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर एक नहीं, अल्फा कार्बन जब होगा तभी अल्फा हाइड्रोजन होगा, कतई नहीं, इसमें जीरो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन जब तक नहीं होगा तब जब तक अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं कर सकते। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब सेम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्रॉस एल्डोल में सेम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे,
सेम मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। जैसे मान लो हमने किया C2H5CHO, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे C2H5CHO और CH3CHO, ऐसा है तो अलग अलग है कि नहीं है। अब इनका हमने डाइल्यूट NaOH के साथ कराया तो ये क्या बनाएंगे, क्रॉस एल्डोल बनाएंगे, क्रॉस एल्डोल। अब यहां पे देखो ऐसा है C2H5CHO, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो बाहर और यहां पे CH2CHO, ऐसा। ये हाइड्रोजन इधर मूव कर गया और ये वाली सारी चीजें जो है वो इधर मूव कर गई, मतलब हमने क्या कर दिया C2H5CH इधर OH और इधर CH2CHO, ऐसा कर लिया। ये अल्फा है और ये क्या है बीटा, अल्फा और ये है बीटा, हो गया। आगे इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5CH डबल बॉन्ड CH और CH। अब ऐसा ये अल्फा और ये बीटा, अब ऐसा नहीं केवल इसी का हम अल्फा हाइड्रोजन ले सकते हैं, नहीं इसका भी ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी के ऊपर है। जैसे मान लो हमने इसका ले लिया CH3CHO, इसका हमने अल्फा हाइड्रोजन लिया, ठीक है CH3CH2CHO, इसका हमने अल्फा हाइड्रोजन लिया। अब ये अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये वाला कार्बन जो है वो इधर जाएगा, सेम। तो चाहे ये करो चाहे ये करो, क्रॉस एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है कि अलग अलग एल्डिहाइड की रिएक्शन, अलग अलग एल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा एंड दिस बीटा, और इसको अगर हीट कर देते हैं तो हीट कर दो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और CH, ऐसा भी बन जाएगा, चेक करो। तो ये क्रॉस के ही। अच्छा क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट फॉर्म, कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे इन दोनों के क्रॉस कराने से, ऐसे क्वेश्चन है। इन दोनों के प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का रिएक्शन कराने पे कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं सर, 2 क्रॉस होंगे और एक इसका खुद का, एक इसका खुद का, मतलब जो यस 4 प्रोडक्ट, एकदम सही बोला। देखो एक इसका खुद का जो हम लोगों ने इधर बनाया था, ठीक है, एक इसका खुद का जो हम लोगों ने बनाया था, 2 हो गए। इन दोनों का क्रॉस, क्रॉस से इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज किया तो ये बना, इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज किया ये, तो 4 प्रोडक्ट हो गए कि नहीं हो गए, 2 सेल्फ से। हाउ मेनी प्रोडक्ट फॉर्म अगर ऐसा पूछा जाता है तो 2 सेल्फ से और 2 क्रॉस, क्लियर। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। क्या होती है कैनिजारो रिएक्शन, देखो कैनिजारो रिएक्शन की जो मोस्ट कंडीशन है ना, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। कंडीशन द कार्बोनिक कंपाउंड
the carbonic compounds which having zero alpha hydrogen. ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके पास जीरो अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कैरेंजारो रिएक्शन देंगे. तो वो क्या करेंगे, कैरेंजारो रिएक्शन. अच्छा होती क्या है कैरेंजारो रिएक्शन, कैरेंजारो रिएक्शन जो होती है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में होती है. कभी कभी ऐसे लिखा होगा 50% NaOH, तो मतलब वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है. ओके होती क्या है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही ये रिएक्शन देते हैं. जैसे हमने बोला कि HCHO फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन 50% NaOH के साथ करें. यस बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है. बेंजल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर CH, उसके पास भी जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है. अब यहाँ पे बात आती है कि होता क्या है, यहाँ पे डिसप्रोपोजिनेशन होता है, डिसप्रोपोजिनेशन होता है. याद रखना डिसप्रोपोजिनेशन, इसमें अगर एल्डिहाइड की बात करें ठीक है, देखो नोट में क्या हम लोग लिखेंगे. अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन कराया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है. किसमें चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. और अगर एल्डिहाइड का हमने रिडक्शन कराया, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया तो ये अल्कोहल में चेंज होता है. किस में चेंज होता है, अल्कोहल में. एक बात चेक करो, अब देखो यहां पे इसके दो मॉलिक्यूल्स लगते हैं, इसके भी दो मॉलिक्यूल्स लगते हैं, कंडेंसेशन है ना. तो यहाँ पे HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड है ठीक है, और बेंजल्डिहाइड है. तो इसका हमने ऑक्सीडेशन किया तो HCOOH फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है. ओके और इसका अगर रिडक्शन किया तो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है. ऐसा है, एच है, सी डबल बॉन्ड ओ है, एच है. अगर हमने इसका रिडक्शन किया सो वी गेट CH3OH. इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3OH. और अगर यहां पे हमने एक ऑक्सीजन दे दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, HCOOH. नहीं तो यहां पे एक एसिड में कन्वर्ट होगा और एक किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, ठीक है. जैसे यहां पे भी है डिस्प्रोपोजिनेशन होता है. डिस्प्रोपोजिनेशन का मतलब होता है कि कन्वर्जन होता है एसिड का एल्डिहाइड का अल्कोहल में, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन. ओके क्लियर डन, चलो ठीक है. अब यहां पे देखो ये एसिड है और ये बेस है, आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट भी बना सकते हैं. तो यहां पे हम ऐसा लिखते हैं HCOO माइनस और Na प्लस, ऐसा लिख सकते हैं ठीक है. यहां पे एसिड है, बेस है, यहां पे रिएक्शन करके HCOO माइनस और Na प्लस में कन्वर्ट कर सकते. एसिटल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना बेटा, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही रिएक्शन करेंगे
कहने जा रहा हूं रिएक्शन. ओके सर, मतलब फिर इन दोनों के अलावा तो आई थिंक कोई और केस नहीं होता. अच्छा ऐसा, देखो बोलो है क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन? अरे ये लो, ये ऐसा लिखा हुआ है क्या अल्फा हाइड्रोजन? नो सर. ठीक है, तो चाहे जिस तरीके से कंपाउंड बना लो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो कौन सी रिएक्शन देंगे? कैनेजारो रिएक्शन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉलेंस रिएजेंट. ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, या उसी को टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट. क्या बोलेंगे बच्चे लोग? सिल्वर मिरर टेस्ट. होता क्या है टॉलेंस? वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं टॉलेंस एजेंट. ठीक है, याद रखना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. यहां पे ओनली एल्डिहाइड्स only aldehyde gives only aldehyde gives this test. next, क्या बोलते हैं silver tolerance region किसको बोलते हैं? silver mirror test किसको बोलते हैं? ammonical silver nitrate solution, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट. क्या होता है फॉर्मूला? एजी एनएस थ्री का होल ट्वाइस, इधर ऐसा. ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है टॉलेंस रिएजेंट, और टॉलेंस रिएजेंट जो होते हैं वो केवल और केवल एल्डिहाइड देते हैं. मतलब क्या है कि अगर कोई भी एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेंस रीजन के साथ करा देते हैं, सो टॉलेंस रीजन जो होते हैं ना, ठीक है, आर सी एच ओ है, टॉलेंस रीजन की रिएक्शन कराते हैं. टॉलेंस रीजन की अगर रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, आर सी एच ओ टॉलेंस रीजन, तो हम क्या यहां पे आर सी ओ ओ माइनस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, या अगर आर सी ओ एच रखना हो तो एच भी रख सकते हो. और फिर जो टॉलेंस रीजन का जो एजी है ना, वो आपस में ऐसे बनता है एजी ऐसे. ये टेस्ट है एक तरीके का, तुम लोगों को प्रैक्टिकल कराया गया होगा शायद लैब में. तो ये सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर. क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर. ठीक है, और क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता होगा, अमोनिया तो फॉर्मेशन होता ही होता है. तो बस इतना समझो कि अगर कोई भी एल्डिहाइड है, क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि मतलब इनमें से कौन टॉलेंस टेस्ट देता है, इनमें से कौन टॉलेंस टेस्ट देता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सो ओनली एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं. और पूछा जाता है कि टॉलेंस टेस्ट होता क्या है? टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में होते हैं, और टॉलेंस टेस्ट में एल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में होता है? एसिड में होता है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेलिंग सॉल्यूशन.
ठीक है। अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन दो तरीके के तुम लोगों ने पढ़े होंगे। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 होता है। Cu2+ से हम लोग, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। CuSO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए, ठीक है। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? एक बार क्वेश्चन आया था, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है? सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, ठीक है। सोडियम पोटासियम टार्ट्रिक एसिड होता है, उसका सोडियम और पोटासियम बना दो तो उसको बोलेंगे सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन बी है, एक बार चेक करो। यस सर। ओके, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब काम क्या करता है फेलिंग सॉल्यूशन? देखो, जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ना वो एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखना सॉरी आर सी एच ओ इसको हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन बनाते हैं। तो जैसे टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन होती थी ना, वैसे ही RCOO माइनस है और जो फेलिंग सॉल्यूशन का जो CuSO4 था ना वो Cu2O में कन्वर्ट हो गया है, Cu2O में कन्वर्ट हो गया है। और ये Cu2O जो है ना, ये टेस्ट है, तुम लोगों ने अगर किया होगा तो ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये केवल और केवल एल्डिहाइड ही रिएक्शन करते हैं, ठीक है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड मतलब कीटोन एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, कीटोन है या एरोमेटिक एल्डिहाइड, do not gives ketone and aromatic aldehyde do not gives this test। red color का brown red brown precipitate मिलता है, तो उसी से अपनी बातें clear हो जाती है कि वहां पे कौन सा test किया होगा, failing test किया होगा, ठीक है।
एक तुम लोगों ने और टेस्ट किया होगा, 2.4 डीएनपी टेस्ट। फुल फॉर्म क्या होता है 2.4, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो 2.4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजाइन। 2.4 हाइड्राजाइन का फॉर्मूला पता है बच्चे, NH2 को बोलते हैं हाइड्राजाइन। ठीक है, 2.4 डाइनाइट्रो, यहां पे 1, यहां पे 2, 2 पे NO2 और 1, 1, 2, 3, 4, 4 पे NO2, 2.4 डाइनाइट्रो हाइड्राजाइन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2NH2 होता है, क्या होता है NH2NH2। ठीक है, इसका फॉर्मूला 2.4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजाइन, पूरा ऐसे लिखते हैं डीएनपी टेस्ट। ठीक है, डीएनपी टेस्ट याद रखना। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिएक्शन करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ये टेस्ट देते हैं। ये टेस्ट वाली चीजें जो है वो थोड़ा सा याद रखने वाली ही होती हैं, प्रैक्टिकल करके तो दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर स्कूल्स वगैरह में होता है तो ये सारा प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि कौन सा कलर मिल रहा है। तुम लोगों को दिखाया गया था क्या, ये प्रैक्टिकल्स हुए थे क्या? यस सर, यस सर। ओके, तो तब तो बढ़िया है। ठीक है, सो डीएनपी टेस्ट में क्या होता है, जो एल्डिहाइड है या हम ऐसे बोल दें कीटोन, उसकी रिएक्शन 2.4 डीएनपी, 2.4 डीएनपी के साथ कराते हैं। ठीक है, तो यहां पे H2O निकल जाता है, यहां से देखो डीएनपी से देखना ध्यान से, यहां से H2 और यहां से O, H2 यहां से O, चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, दोनों रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या देते हैं, R, R इधर H भी हो सकता है, अगर एल्डिहाइड हुआ तो H, अगर कीटोन हुआ तो R, C ट्रिपल डबल बॉन्ड N, देखो ये डबल बॉन्ड, ये H2 गया है ना, तो यहाँ का डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो मैं रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। एक रिएक्शन एल्डिहाइड की लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने बोला कि R H C डबल बॉन्ड, दिस इज एल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन डीएनपी के साथ। ठीक है, NO2 और इधर NO2, डीएनपी है, हमने क्या किया, केवल केवल इसमें वाटर रिमूव कर दिया। ठीक है, यहां से वाटर रिमूव कर दिया। अच्छा, तुम लोग क्लासेस कब तक होने वाली हैं, उस तरीके से हम लोग और सिलेबस के उसमें पता नहीं है तुम लोगों को? ओके, क्योंकि अभी अभी तो एग्जाम चालू होगा, ज्यादा दिन तक क्लास नहीं होंगी, बस केवल अपना एक ही डीएन वो अमाइंस वाला बाकी है, बाकी तो ऑर्गेनिक हो गया, ये हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये जो होता है वो रेड ऑरेंज येलो कलर का प्रेसिपिटेट दे सकता है, राइ प्रेसिपिटेटस को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। इसी तरीके से एक सिफ रिजेंट होता है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है, सिफ रिजेंट,
सिर्फ रीजेंट भी ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडेशन का काम करता है रिएक्टेटोन का। सिर्फ रीजेंट होता क्या है, इमाइन को बोलते हैं सिर्फ रीजेंट। इमाइन मतलब आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं इमाइंस। क्या बोलते हैं? इमाइंस, अमाइंस नहीं, इमाइंस। आई होप सारी रिएक्शन हो गई है, एक बार चेक करते हैं। ओके ठीक है, क्रॉस एल्डोल कैनिजारो टॉलेंस रीजेंट फेलिंग टेस्ट डीएनपी और सिफ रीजेंट। क्लियर, ये था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम्ड रिएक्शन। अमाइंस में भी बहुत अच्छी अच्छी नेम्ड रिएक्शन है तो उनको भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अमाइंस की जो नेम्ड रिएक्शन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके अमाइंस के बारे में हम लोग देखते हैं। अमाइंस का कैसा क्या है, कौन कौन सी रिएक्शन, तुम लोगों को कभी कोई रिएक्शन याद है अमाइंस की जो नेम्ड रिएक्शन हो, नेम्ड रिएक्शन जो अमाइंस की कोई याद है? गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन याद होगी? नहीं? यस सर, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। यस, HBR रिएक्शन है। सो पहले इसकी रिएक्शन बस देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन है और फिर उसके बाद जो है वो हम कुछ PYQ करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के। ठीक है, देखो, ठीक है। सो सबसे पहले है गैब्रियल पिथैलिमाइड। ठीक है, गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन, ये हम लोग नेम्ड रिएक्शन देख रहे बस। गैब्रियल पिथैलिमाइड रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद है हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। फिर उसके बाद है मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिडक्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है स्मिट्स रिएक्शन। ठीक है, कर्टियस रिएक्शन, ठीक है, कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल CH2 के साथ रिएक्शन होती है, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल की तरीके स्मेल आती है सभी रिएक्शन को, इसकी वजह से इसको बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ओके चलो, नेक्स्ट है कार्बिलामाइन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बिलामाइन रिएक्शन, ठीक है, और फिर कौन सी रिएक्शन, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। ओके, फिर उसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट है। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था हिंसबर्ग का, हिंसबर्ग टेस्ट।
ठीक है, और कुछ कपलिंग रिएक्शन जिससे हम लोग डाई का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन। ओके, सो ये अमाइंस की इतनी रिएक्शन है, कैसी कितनी कितनी रिएक्शन, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके चलो कुछ रिएक्शन है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा एक लेक्चर लगेगा। अब देखना कुछ PYQs निकालते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड लगेगा PYQs निकालने में, सॉरी दो मिनट लगेंगे, एक सेकेंड तो बहुत कम होता है। PYQs एल्डिहाइड और कीटोन के, एक अच्छा तुम लोग PYQs वगैरह सारे कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि PYQs छोड़ दिए हैं, कर रहे हो ना PYQs? यस सर, देखो PYQs बहुत जरूरी हैं, साथ में मतलब तुम लोग पास बहुत सारे टाइम रहता है, सो PYQ कंप्लीट करो। और सारे सब्जेक्ट के PYQ बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि केवल केमिस्ट्री के, PYQ से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा तुम लोग एक कन्वर्जन तब तक करो, तब तक एक कन्वर्जन करो, फॉर्मल्डिहाइड से
HCHO से तीन चार स्टेप करके एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। सोचो फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड कैसे बनेगा, थोड़ा सा सोचो। फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड बनाना है, अरे फॉर्मल्डिहाइड से एक कार्बन बढ़ाना है। अभी बहुत सारी रिएक्शंस तुम लोग पढ़ चुके हो, तो ये स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? यस सर। ओके सो यहां पे थोड़े बहुत क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स का जो है नेम रिएक्शन के अलावा भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो वो क्वेश्चंस एक एक करके करो। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स में जो टॉलिन है उसका क्लोरीनेशन किया, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया। ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन राइट है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ का जो एच है वो जाएगा, तो एक एच जाएगा और एक सीएल आएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन बी, सर ऑप्शन बी।
सॉरी गाइस, चलो फटाफट बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बी. रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर. रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर. तो बेंजल्डिहाइड किससे प्रिपेयर नहीं होगा? बी वाले से. ये तो इटार्ड रिएक्शन है, ये वाली तो रिएक्शन इटार्ड है, याद है. इसका रिडक्शन हो जाएगा जिंक अमलगम के प्रेजेंस में. यस, ये वाली रिएक्शन याद है, ये वाली कौन सी है? गटरमैन कोट सिंथेसिस. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. ए. यस सर. सीएल को हटा के यहाँ पे सीएच को. सीएल को हटा के सर एच लग जाएगा वहां पे. यस. तो ये कौन सी रिएक्शन है? रोजनमंड रिएक्शन. वेरी गुड. तो यहाँ पे सीओ सीएल की जगह पे क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा. ये नेक्स्ट. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू करिस्पोंडिंग कार्बोनिल कंपाउंड. करिस्पोंडिंग कार्बोनिल कंपाउंड. एकदम सही. टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फिनॉल टू मिथाइल टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज करिस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड. टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन देखते हैं. टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन बनाते हैं. वन टू थ्री. टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन. सो सी एच थ्री सी एच और इधर सी एच थ्री. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज करिस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड. यस, ये सेकेंडरी अल्कोहल है एंड सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल जो है उसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे सो यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होता है. 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन का फॉर्मेशन होता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर ऑप्शन सी. इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट पी इज. यस सर. ऑप्शन सी रोजनमंड रिडक्शन है यहाँ पे एच और एच. नेक्स्ट. सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. Yes, sir, alkene is ozonolysis. अगर इसका ozonolysis करते हैं तो यहाँ पे ओ, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CHO CH3 CH3 C double bond. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं. यस, हो जाएगा CH3 CH3 CO and CH3 CH2 CHO. ओके नेक्स्ट. सर ऑप्शन ए. ए ऑप्शन. CH3CN की रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन के साथ. अच्छा, रिडक्शन हो रहा है. CH3CN का रिडक्शन हो रहा है. नेक्स्ट. सी ऑप्शन. देखो यहाँ पे ये है, इसका रिडक्शन हो गया है
रिडक्शन हो गया है, फिर उसके बाद बॉइलिंग, इसका अगर रिडक्शन कराएंगे तो ये होता है सी एच थ्री सी एच और एन एच, उसको बॉइल कर देते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है ओ और एच टू वाटर के साथ, तो सी एच थ्री सी एच ओ कौन सा ऑप्शन है, सी एच थ्री सी एच ओ क्या होता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है बच्चा। नेक्स्ट सर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कीटोन, कीटोन ये है और उसका इट कैन बी ऑब्टेन इन वन स्टेप, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से कीटोन नहीं बनता है। देखो यहाँ पे ईस्टर का अगर तुम बोलो हाइड्रोलिसिस आर सी ओ, अगर इसका हाइड्रोलिसिस चलो ठीक है बन सकता है, यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे ओ एच और एच, देखो ये क्या बना आर सी ओ ओ एच का बॉक्स लेके सिर एंड आर ओ एच। और बोलो कीटोन का फॉर्मेशन करना है ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ, देखो ध्यान से पहले जो जो चीजें हैं वो हटा लेते हैं, ये हटा दिए, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड पता है ना तुम लोगों को, नहीं सर, ये होता है आर सी ओ और इधर सीएल, इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं, ठीक है, और यहां पे हम एल्कोहल ये आर ओ आर डैश ये एससीएल निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये तो हो गया क्या, ये हो गया क्या, हो गया ये तो ईस्टर बन गया, तो बस एक ही चीज बची, एक्चुअल में टर्शरी का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, अगर टर्शरी का ऑक्सीडेशन करना है तो ड्रास्टिक कंडीशन लेनी पड़ेगी, ड्रास्टिक कंडीशन में टर्शरी का ऑक्सीडेशन होता है। चलो नेक्स्ट, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन when the oxidation of toluene in toluene to benzaldehyde, है ना, क्या है ये toluene से benzaldehyde, सिंपल सा है, toluene क्या है CH3 ऊपर लग जाएगा बेंजीन के ऊपर और क्रोमिक क्लोराइड रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, ओके सो इतना ही हम लोग करेंगे, नेक्स्ट जो है वो ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी सब करेंगे, ये वाली रिएक्शन जो है ना कब होंगी नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, अमाइंस की जो जो नेम रिएक्शन है वो सारी रिएक्शंस, ओके चलो ऑलराइट, ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।